अपने डेटाबेस व्यू में पढ़ा था कि हमारे पास होता है एक फिजिकल लेवल याद करो हमने क्या कहते हैं बेसिक क्लासेस में स्टार्टिंग में पढ़ा था डेटाबेस व्यू के बारे में ठीक है तो हमने देखा था कि एक हमारा फिजिकल लेवल होता था ठीक है फिर उसके बाद लॉजिकल लेवल था और एक यूजर लेवल हुआ करता था जिसको हम व्यू लेवल भी बोलते थे तो अगर डेटा इंडिपेंडेंस की आप बात करते हो तो डेटा इंडिपेंडेंस कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू चेंज द स्कीमा एट वन लेवल ऑफ अ सिस्टम विदाउट हैविंग टू चेंज द द स्कीमा एट नेक्स्ट हायर लेवल ठीक है इसका मतलब ये हुआ डेटा इंडिपेंडेंस क्या देता है डेटा इंडिपेंडेंस हमें एक कैपेसिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि एक लेवल पे हम चेंजेस करें तो दूसरी स्कीमा के लेवल्स जो है अफेक्ट ना हो ठीक है तो समझने की कोशिश करते हैं तो जो डेटा इंडिपेंडेंस है वो दो टाइप का होता है एक होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एक होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस तो डेटा इंडिपेंडेंस इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ डीबीएमएस दैट हेल्प यू टू चेंज द डेटा विद स्कीमा

टू कीप डेटा सेपरेटेड फ्रॉम ऑल प्रोग्राम दट मेक यूज ऑफ इट ये हमें किस चीज में हेल्प करता है डेटा को सेपरेट करने में भी हेल्प करता है किसे यूज ऑफ इट जो उसको यूज करने वाले हैं मतलब डेटा को तू सारे के सारे प्रोग्राम सेपरेट करने का काम करता है जो कि डेटा को यूज कर रहे होते हैं ठीक है सो यू कैन यूज दिस स्टोर डेटा फॉर कंप्यूटिंग एंड प्रेजेंटेशन ठीक है इन मेनी सिस्टम डेटा इंडिपेंडेंस इज एन एसेंशियल फंक्शन फॉर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम बहुत सारे सिस्टम में अगर आप बात करोगे तो डेटा इंडिपेंडेंस जो है वो आपका एसेंशियल कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम का तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है पहले मैं आपको इसका जस्ट एक लॉजिकल कंसेप्ट बताता हूं फिर हम अपन इसके थ्योरी के पार्ट में आएंगे सबसे पहले अगर मैंने आपको बताया कि सबसे लोअर लेवल पे हमने देखा था कि होता है आपका डेटाबेस ठीक है डेटाबेस ठीक है अब इसको ही एक्सेस करना फिजिकल physical... लेवल का काम होता है ठीक है डेटाबेस को ही एक्सेस करना फिजिकल लेवल का काम होता है तो जब आप डेटाबेस पे काम कर रहे होते हो सब जो मेरी बात को जब भी आप डेटाबेस पे कोई भी काम कर रहे होते हो तो या कहना चाहिए डेटाबेस में आप कोई चेंजेस कोई भी अपडेशन कर रहे हो डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस कर रहे हो तो लॉजिकल व्यू में या लॉजिकल पे क्योंकि मैंने आपको बताया तीन लेवल थे ठीक है एक आपका व्यू लेवल था ठीक है दूसरे नंबर पे आता है लॉजिकल लेवल अगर हम अपर साइड से बात करें ठीक है लॉजिकल लेवल और तीसरे नंबर पे आता है आपका फिजिकल लेवल ठीक है ये तीन लेवल होते हैं तो अगर आप बात करते हो कि फिजिकल लेवल में आप कोई भी चेंज करो या फिजिकल स्कीमा में कोई भी चेंज करो या कहना चाहिए डेटा बेस के स्ट्रक्चर में आप कोई भी चेंज करो ठीक है फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करो तो लॉजिकल और व्यू लेवल में अफेक्ट ना हो उसको हम बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अचीव करना मतलब जब भी हम फिजिकल स्कीमा में चेंज करें तो दूसरे स्कीमा या दूसरे हायर लेवल स्कीमा में कोई फर्क ना पड़े या अपडेट करने की जरूरत ना पड़े दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बिल्कुल सिंपल है एक लाइन में अगर डेफिनेशन समझो तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हेल्प यू टू सेपरेट कंसेप्चुअल लेवल्स फ्रॉम द इंटरनल और फिजिकल लेवल कंसेप्चुअल मतलब आप किसकी बात कर रहे हो लॉजिकल और व्यू की बात कर रहे हो उसको किससे सेपरेट करने के काम में करता है इंटरनल या फिजिकल लेवल में इट अलाउ यू टू प्रोवाइड अ लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस विदाउट अ नीड ऑफ टू स्पेसिफाई फिजिकल स्ट्रक्चर

फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर और डिवाइसेस में आप क्या करते हो चेंजेस करते हो ठीक है एनी चेंज डन वुड बी द मैपिंग बिटवीन द दंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल अब जो भी आप चेंजेस करते हो वो मैपिंग कहां से होती है कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल में होती है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज अचीव बाय द प्रेजेंस ऑफ द इंटरनल लेवल ऑफ द डेटाबेस अब फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कैसे अचीव होगा डेटाबेस में जो भी आप काम करोगे इंटरनल लेवल पे जो भी काम करोगे फिजिकल लेवल पे जो भी काम करोगे वो सारे के सारे फिजिकल इंडिपेंडेंस के पार्ट होंगे या आप कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन जो करोगे ठीक है जो कहना चाहिए वो आपका फिजिकल इंडिपेंडेंस का पार्ट होगा ठीक है अब जब फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की आप बात करते हो तो जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो जैसे आप क्या करते हो यूजिंग न्यू स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव और मैग्नेटिक टेप

ज आर द पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ओके ठीक है या आप लोकेशन चेंज करते हो जैसे डेटाबेस की बात करें तो सी ड्राइव से आप डी ड्राइव में स्टोर कर दो डी ड्राइव से ई e ड्राइव में आप स्टोर कर दो तो देखो आप यहां क्या कर रहे हो इंटरनल लेवल पे काम कर रहे हो या फिजिकल लेवल पे काम कर रहे हो सिंपल बात है आप डेटा बेस पे काम कर रहे हो तो ये सारे के सारे ऑपरेशन फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के पार्ट होते हैं जिसमें आपको अपर लेवल हायर की या अपर लेवल व्यू पे या अपर लेवल स्कीमा पे हायर लेवल स्कीमा पे कोई अपडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है या फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस से हायर लेवल स्कीमा जो आपका लॉजिकल स्कीमा है या व्यू लेवल है उसमें फर्क नहीं पड़ता है वही कहलाता है तो अब आप करोगे लॉजिकल लेवल पे आप चेंज करोगे या लॉजिकल स्कीमा पे चेंज करोगे ठीक है अब जब आप लॉजिकल भी चेंज करो तो क्या हो फिजिकल लेवल अफेक्ट ना हो और व्यू लेवल अफेक्ट ना हो जब आप लॉजिकल स्कीमा पे चेंजेस करो तो फिजिकल और व्यू लेवल आपके चेंज क्या कहते हैं उनमें कोई भी अफेक्ट ना हो या उनको अपडेट करने की जरूरत ना पड़े तो उसको हम बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा विदाउट चेंजिंग एक्सटर्नल व्यूज एक्सटर्नल व्यूज मतलब यूजर व्यू की बात कर रहा है ठीक है

उनको आपको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ता है तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है है ठीक तो लॉजिकल इंडिपेंडेंस एनी ऑफ़ द द बिलो चेंजेस चेंजेस विल नॉट एक्सटर्नल एक्सटर्नल लेवल लेयर मतलब यूज़र व्यू में कोई नहीं होंगे मॉडिफाई कर करना एंटिटी करना, करना और रिलेशनशिप पॉसिबल विदाउट रीराइट ऑफ एक्सिस्टिंग मतलब हम कॉलम को अपडेट कर सकते हैं फिर एक रिकॉर्ड को टू और मोर रिकॉर्ड्स में आप ब्रेक भी कर सकते हो बिना नए एप्लीकेशन प्रोग्राम में लिखे हुए ठीक है तो अगर देखा जाए तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस मेनली किस पे करता है स्टोरेज पे लॉजिकल किस पे काम करता है चेंजिंग इन द डेटा डेफिनेशन डिफिकल्ट है क्योंकि लॉजिकल स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा आपको चेंजेस करना पड़ेगा इट इज इजी टू रिट्रीव क्यों क्योंकि आप डायरेक्टली डेटा बेस से इंट्रैक्ट करते हो डायरेक्ट इंट्रेक्शन होता है ठीक है अब बात करें तो कंपेयर टू लॉजिकल इंडिपेंडेंस इट इज इजी टू अचीव फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इसके कंपेरिजन में टफ है ठीक है

लेकिन अगर लॉजिकल लेवल की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम में आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है ठीक है मॉडिफिकेशन एट द लॉजिकल लेवल इज सिग्निफिकेंट वेन अब द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा बेस आर चेंज तो लॉजिकल कहना चाहिए इंडिपेंडेंस कब हमको यूज करना चाहिए जब लॉजिकल लेवल में आपको चेंज करना है इसमें कब आपको करना चाहिए जब आपको स्ट्रक्चर के परफॉर्मेंस पे काम करना हो डेटाबेस पे काम करना हो डेटाबेस के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना हो तब आपको किस पे काम करना चाहिए फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस पे ठीक है एक किस पे कंसर्न है कंसेप्चुअल स्कीमा पे इंटरनल स्कीमा या फिजिकल स्कीमा या डेटा बेस पे कंसर्न होता है ठीक है या डेटा बेस पे कंसर्न होता है ठीक है जैसे इसमें देखो डिलीट न्यू एट्रीब्यूट और कॉलम अब इसमें चेंजेस इन कंप्रेशन टेक्निक्स टेक्निकलगोरिथम स्टोरेज डिवाइसेस ठीक है तो डेटा इंडिपेंडेंस की जरूरत क्या है क्वालिटी ऑफ डेटा को इंप्रूव करता है पहली अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ डेटा को इंप्रूव करता है ठीक है डेटा बेस सिस्टम को मेंटेन करना आसान हो जाता है स्टैंडर्ड को इनफोर्स करना अप्लाई करना और इनको इंप्रूव करना डेटा बेस सिक्योरिटी को इंप्रूव करना इसमें इजी हो जाता है क्यों क्योंकि देखो उसमें क्या होगा हर लेवल अलग अलग इंडिपेंडेंट हो गया तो मैं एक लेवल पर सिक्योरिटी अगर इंपोज करना चाहता हूं हायर लेवल की ठीक है तो दूसरे लेवल पे मैं फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता हूं तो बट है कि स्टैंडर्ड्स को करना और इंप्रूव करना डेटाबेस सिक्योरिटी आसान है ठीक है यू डोंट नीड टू ऑल्टर डेटा स्ट्रक्चर इन एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है एप्लीकेशन प्रोग्राम को ठीक है फिर आप डेवलपर को परमिट कर सकते हो डेटाबेस में जनरल स्ट्रक्चर में अपडेट करने के लिए ठीक है विदाउट नोइंग द इंटरनल इंप्लीमेंटेशन विदाउट नोइंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस मतलब सीधी सी बात है एक लेवल पर चेंज करने के लिए दूसरे लेवल को या दूसरी स्कीम को जानने की जरूरत नहीं है ठीक है ऐसे स्टेट में आप इसको ले जा सकते हो या आप कहना चाहिए स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकते हो जिससे कि कम से कम डैमेज हो आपके डेटाबेस का या कहना चाहिए कम से कम डेटाबेस में इनकसिस्टेंसी आए ठीक है फिर डेटाबेस इन इज वास्टली रिड्यूस्ड ठीक है अब ये जो रिड्यूस वर्ड बोल रहा है कि कि इसके टर्म में बोल रहा है इनकंसिस्टेंसी कम से कम हो ठीक है फिर मॉडिफिकेशन इजली हो सकता है फिजिकल लेवल पे ठीक है और उससे आप परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हो क्यों क्योंकि आपके आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम से कोई भी लेना देना नहीं होगा आपको डायरेक्टली केवल फिजिकल लेवल से मतलब होगा कोई एक लेवल में चेंज करने के लिए दूसरे लेवल में आपको जाने की जरूरत नहीं होगी